नमस्कार स्टुडियो मैं सौरभ ठाकुर यह मुहूर्त लैसो आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर क्यों आम पुवारे सम्प्रचार करूँ नारायणपुर खबर और मातृ और जियर मृत्युक एक उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि नारायणपुर और बर्तमान समय आरक्षे गुली चालना करा कारण परवेश इमान भयावह से आरक्षे गुली चालना और इ देखाई एने उत्तप्त से जुई ज्वलैसे राइजे और यार पाते आरक्षे रबर बुलेट चलने बाध्य नारायणपुर घटना या और आज रात पुवारे आम बता सम्प्रचार कर नारायणपुर एगी मातृ और एगी जियर इतिम्य मृत्यु और मृत्यु पीछते एने घटना संघटित और इतना आरक्षी निरापत्ारक्षी इतिम्य तक उपस्थित और निरापत्ारक्षी उपस्थित हो परिस्थिति नियंत्रण ऊल्से और आरक्षी हाते हाते लाठी देखने पा गई है तो जी आत्मरक्षार जी व्यवस्था ग्रहण कर सौ देखने पा गई है यह मुहूर्त कब लगे नारायणपुर जी जालुकता आए जालुकता उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि और शुआ पाते कन्यार मृत्यु और मातृ मृतदेह मटित पड़ी और यार पीछते एक उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि और अभियोग उठी एगी व्यक्तिर ऊपर दिनराम फुकन नाम एगी व्यक्तिर ऊपर यह अभियोग उत्थन और यह अभियोग उत्थन हर पाते आरक्षे तक आटक करते कि आरक्षे आटक कर पीछे कि दोषी शास्ति दी उत्तप्त राइजे दिनराम फुकनर घर सम्मुख उपस्थित हो शिल दलिये दिन भगत आम दृश्यांश देखाई कि बर्तमान बर्तमान समय कि 144 धारा इतिम्य जारी नारायणपुर जालुकता अंचल 144 धारा जारी कर मुहूर्त आम संजोग स्थापन करूँ आम नारायणपुर सांबा चंदन शैकियार सहित चंदन शैकिया बर्तमान परिस्थिति के कब लगे एक उत्तप्त परिस्थिति बर्तमान समय आम निजक प्राण रक्षा कर पलबलिया अवस्था से बर्तमान समय 144 धारा जारी कर पे राबार बुलेट और ब्लैंक फायर कर फायर ब्रिगेड आई पे पानी मरा परित बर्तमान उत्तप्त परिस्थिति लाठीचार्ज कर आरक्षे बर्तमान समय समग्र आक्षेप बर्तमान गम पा ना जो उत्तप्त बर्तमान आरक्ष ब्लैंक फायर कर राबार बुलेट पानी निक्षेप कर छत्र भगत दुनिया उत्तप्त घर सम्मुख प्रकांड जुई ज्वल घर ज्वल जार कारण आरक्षे जिला प्रशासने धन्यवाद क्यों अपनी सभी क्यों बर्तमान समय जी नारायणपुर जालुकता अंचल आज जालुकता गाँव 144 धारा जारी कर 144 धारा यही जारी कर क्यों समग्र राइज ऊल्से दिन भगत एने एक उत्तप्त परिस्थिति सृष्टि कर दिन भगत जैसे राइज गोट खाई सन्ध्यार भगत एक राइज गोट खासे राइज गोट खार फलते कि शिलगुटि पुनर्बार निक्षेप कर जुई ज्वलै दी और ये दृश्यांश आम आपको देखाई एने कि भयावह परिस्थितिर एक भयावह परिस्थिति सृष्टि और यार पाते इतना एने व्यवस्था समूह देखने पा गई नियंत्रण जी लखीमपुर जिला प्रशासन आज लखीमपुर जिला प्रशासन उच्च पदस्थ आरक्षी विषय उपस्थित नारायणपुर जी आरक्षी विषयोक उपस्थित दंडाधीश स्थानीय दंडाधीश उपस्थित और सकुए माइक जुगे राइजक बारम्बार अनुरोध जानसे जो अपने शांत हक अपने आईन हाथ तुम नलब क्यों राइजर एटा कथा घर चोतालते दोषी शास्ति प्रदान लगे और ऊपर जीगी दोषी ऊपर बलत्कार अभियोग उत्थन कर बलत्कार अभियोग दिनों
ভাগৰ দৃশ্য দিনৰ ভাগতে এনেধৰণে ৰাইজক শান্ত কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰশাসনে মাইকযোগে তেওঁলোকে আহ্বান কৰি আহিছিল ইয়াত উপস্থিত আছে দণ্ডাধীশ উপস্থিত আছে আৰক্ষী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত আছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া যে নাৰায়ণপুৰৰ অৱস্থা আছে সেই নাৰায়ণপুৰৰ অৱস্থা কিন্তু ভয়াৱহ হৈ পৰিছে এগৰাকী মাতৃ আৰু জীয়ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কুৱাপাতিতে মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰখনত এজন ল'ৰা আছিল সেই ল'ৰাজন কিন্তু ৰাতি ঘৰত নাছিল ৰাতি ঘৰত নথকাৰ পিছত পুৱা যেতিয়া ল'ৰাজন ঘৰলৈ আহি উপস্থিত হয় ঘৰলৈ আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু মাতৃ তেওঁৰ মাতৃ আৰু ভগ্নীৰ যি মৃতদেহ আছে সেই মৃতদেহ পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে দিনাৰাম ফুকন নামৰ সেই ব্যক্তিজনক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আটক কৰিছে ইয়াৰ লগতে যিজন যুৱক আছিল সেই যুৱকজনকো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁক লৈ গৈছে সোধপোছৰ বাবে লৈ গৈছে আৰু এনেধৰণে দিনৰ ভাগত এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু দিৰাণ ফুকনৰ এইটো ঘৰ আছিল আৰু এইটো ঘৰতে এনেধৰণে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰি থকা হৈছিল আৰু এই শিলগুটি নিক্ষেপ কেৱল দিনৰ ভাগতে নহয় সন্ধিয়াৰ ভাগতো এনেধৰণে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ৰাবাৰ বুলেট চলাবলৈ ইতিমধ্যে বাধ্য হৈছে পানী লৈ চলাবলৈ বাধ্য হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাইজক শান্ত কৰিবলৈ ৰাইজ যিহেতু উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাইজে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তুলিছে তাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পানী শিলৈ চলিয়াব লগা হৈছে আৰক্ষীয়ে ৰাবাৰ বুলেট চলাব লগা হৈছে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা নাৰায়ণপুৰৰ এই জালুককাটা গাঁৱত কিন্তু এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে বৰ্তমানেও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে।